इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में घर में मां बेटे का शव मिलने से मचा हड़कंप। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के चंदा होटल के पास कोऑपरेटिव बैंक के पीछे एक घर में मां बेटे की लहूलुहान अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब सुबह मोहल्ले वालों को घर से बदबू आने लगी, तब जाकर मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मां और बेटे की मौत कैसे हुई, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। स्थानियों का कहना है कि बाबूजी के नाम से मृतका का पति और मृतक के पिता को मोहल्ले में जाना जाता था। इसके अलावा मृतका का पति और मृतक का पिता सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उनकी भी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख रहे हैं झांसी से न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर, जहां झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में घर में मां बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र नवाबाद में पुरानी तहसील के पीछे मां बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई थी तब इन लोगों ने थाने को सूचना दी थी। थाने पर सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा है। ये डेड बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी लग रही है। जो अगल बगल जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है पड़ोसियों को भी। इतना ज़रूर हम पता चल पाया है कि जो बेटा है उसका नाम रवि लोग बताते थे, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है और माँ की उम्र करीब 85 वर्ष है। माँ बेटे ही इस घर में रह रहे थे और बेटे के बारे में बताते हैं कि ये डिप्रेशन में था, अक्सर ये हाथ पैर अपना पटकता रहता था। जब वो अंदर, हम लोगों ने डेड बॉडी के बारे में जब अंदर घर घुसने का प्रयास किया गया तो घर का कुंडा अंदर से रस्सी से बंद था, इससे लग रहा है कि अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं गया है। प्लस एक CCTV भी बगल में लगा हुआ है, जिससे इनके घर का पूरा दरवाज़ा कवर हो रहा है। CCTV से भी 19 तारीख के बाद इनके बेटे के ही घर पे अंदर जाने का है, बाकी अन्य किसी का मूवमेंट घर के अंदर नहीं है। और डेड बॉडी पर भी कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है। सामान घर में सारे सिस्टमेटिक पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि कोई अपराध का एंगल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए और अगल बगल जो और भी CCTV लगे हुए हैं उनको हम लोग उनकी भी जांच कर रहे हैं, सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। अब तक जो प्रथम दृष्टया है कि कोई अपराध का एंगल नहीं है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।